दुर्ग एसडीएम लक्ष्मण तिवारी ने देर रात खुलने वाले बार, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों पर शनिवार रविवार की देर रात कार्रवाई की है। सबसे पहले वे धमदा रोड स्थित गोल्डन बार पहुंचे, जहां उन्होंने शराब की सेल और स्टॉक का रिकॉर्ड मिलाकर गुमास्ता लाइसेंस चेक किया। उसके बाद रात 11:30 बजे एसडीएम पुलगांव क्षेत्र में स्थित प्लेजर बार और रेस्टोरेंट पहुंचकर बार की जांच की, जिसे पाया गया कि बार मैनेजर अपने रजिस्टर में जो शराब का स्टॉक दिखाया था उससे कहीं अधिक सेल हुई थी। इसके बाद एसडीएम देर रात 1 बजे दुर्ग बस स्टैंड स्थित पंजाब बार पहुंचे, जहां पंजाब बार का शटर बंद था, लेकिन अंदर 8-10 लड़के शराब पार्टी मना रहे थे। यहां कार्रवाई करने के बाद वे शहर के पंडरीपुरी चाय दुकान पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लड़के चाय सिगरेट पी रहे थे। एसडीएम ने यहां 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया तो वही दुकान के दस्तावेज जब्त कर सोमवार को एसडीएम कोर्ट में बुलाया है। इस दौरान उनके साथ दुर्ग कोतवाली पुलिस, फूड विभाग, आबकारी विभाग, जनसंपर्क और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। हमारे पास बहुत कंप्लेंट्स आई थी, तो उसके आधार पे हम लोगों ने 2 जगह भी कार्रवाई की है अभी तक। एक है प्लेजर क्लब और दूसरा था वहाँ गोल्डन बार एंड क्लब। तो दोनों जगह पे एक तो लाइसेंस की कमी पाई गई, इनके पास लाइसेंस नहीं है। और गोल्डन क्लब में सीन ऐसा है कि लाइसेंस किसी और का है, चला कोई और रहा है, तो ये मतलब ये ट्रांसफरेबल नहीं होती है सब चीज़ें। यहाँ पे तो इनके स्टॉक रजिस्टर में बहुत भारी मात्रा में अंतर पाई गई, जो स्टॉक ये लोग रखे हैं लीकर का और जो स्टॉक इनके रजिस्टर में, उसमें भारी मात्रा में अंतर पाई गई। इनकी सेलिंग भी मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेट है, कि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो इनकी अगर सेलिंग देखी जाए एक दिन की, तो उसमें भी 50-60 हज़ार का अंतर पाया जा रहा है अभी तक के काउंटिंग के हिसाब से। तो ये तो भारी लैब्स हैं। फिर फूड वाले भी इनका वो पाए कि ये लोग किसी भी अनब्रांडेड, जैसे विदाउट हॉलमार्क, विदाउट एक बार कोड, या फिर मतलब ऐसा प्रोडक्ट डाल रहे हैं जो जिसकी कोई मान्यता नहीं है सरकार में, तो पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें डाल रहे हैं। तो इस पर अभी फूड वाले भी उसका जाँच करेंगे, उसकी पूरी रिपोर्ट आएगी, फिर आपको जानकारी दी जाएगी।